मैंने बोल के कह दिया है कि आप कहते पंखे ने उपाड़ देंगे, इसमें अथॉरिटी में लगा देंगे ताला, हम अपना एहसास करा देंगे, भड़बूजा का भाड़ भी फोड़ देंगे और उनकी आंख भी फोड़ देंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का उत्साह रंगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मिठारी गांव में युवा शक्ति ने ठीक दोपहरी में दिखाया अपना जोश और कर देंगे बेहोश नोएडा प्राधिकरण को, उड़ा देंगे इनके होश, कर देंगे खामोश। ध्यान कर लेना, अपना हक लिए बगैर ये धूप में खड़े किसान, ये युवा शक्ति मिठारी की इस बात की कसम खा रही है। हाथ आगे कर लो भैया, इस बात की कसम खाते हैं, निश्चित तौर पर अपना हक लेके रहेंगे और 16 अगस्त को नोएडा अथॉरिटी आ रहे हैं, आँख खोल के बैठ जा, आ रहे हैं अपना हक लेने। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। डूब गया सिंध में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट के आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता जाता है उत्साह इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट बड़े पते की बात कही कवि ने, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, जब तक रहो सफल नींद चैन को त्यागो तुम और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना किए कुछ यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे, खेला होगा, निश्चित तौर पर अपने मूल को एक करेंगे और मूल को हम भूलने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। जो अपने मूल को भूल जाते हैं वो मर जाते हैं, उनका कोई इतिहास नहीं होता, उनकी कोई नहीं सुनता। और इनकी बात लाख ये रोने से क्या, ये तो ऐसे अधिकारी और नेतागण हैं, रोने से क्या लाभ और क्या हानि किसी अन्याय को, रो रो कर तो खुश करना है जालिम नौकरशाही को, अरे वीर बनो बलवान बनो, बनो साहसी और उत्साही, कायर और कमजोरों के लिए दुनिया नहीं बनाई, कायर और कमजोर सदा दुनिया में दुख पाते देखे, निस्दिल कुत्तों की तरह दर दर पर ठोकर खाते देखे, लुटते देखे पिटते देखे, बिना खता जेल जाते देखे, कोई कोई तो काले पानी कोई कोई फांसी खाते देखे, अरे प्रबल की सब जगह, अरे मजबूताई की सब जगह, नहीं निर्बल की कहीं सुनाई और कायर और कमजोरों के लिए दुनिया नहीं बनी। देखो जीवन क्या है, नो लाइफ विदाउट फाइट, संघर्ष ही जीवन है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है और जब तक संघर्ष है तब तक ही जीवन है, बगैर संघर्ष के कोई जीवन नहीं। अगर मेरे मूल पर ये सूल चुभ रहे हैं तो मेरा सारा जीवन इनको हटाने में जाएगा निश्चित तौर पर। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के आसपास, करीब 600 किसानों की जान चली गई है, सरकार टस्से मस्से नहीं हो रही है और आप भी सिर्फ नोएडा के किसान हैं, आप कैसे उनसे जीत पाओगे? मैं बात अपनी कहता हूँ, क्या मैं टस्से मस हूँ? अगर वो ढीठ हैं तो हम में भी इतनी इंसानियत है, इतनी मानवता है, हाँ वो दानवता के हिसाब से लड़ रहे हैं और हम मानवता के हिसाब से लड़ रहे हैं, वो राक्षस हैं और हम देवता। आखिर लड़ाई, आखिर जीत किसकी होने वाली है? देवताओं की जीत होगी निश्चित तौर पर। किसान देव है, किसान अन्नदाता है और जो देने वाला है वही देव है। देवता की जीत होनी निश्चित है। आप तो धर्म की बातें करते हैं लेकिन यहाँ पे कानून की बातें की जाती है, कहते हैं अवैध निर्माण जहाँ पर है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। देखो मैं धर्म की बात अपने कर्तव्य से करता हूँ, मेरी ड्यूटी यह है। धर्म कोई मैं टीका लगाना गंडा बांधना धर्म नहीं है, धर्म स्वयं कर्म वर्तित्वम,
धर्म क्या है, अपने कर्तव्य कर्मों को करना ही धर्म है। मेरा ये कर्तव्य है कि मेरे किसान का शोषण हो रहा है, जब किसान का शोषण हो रहा है तो मेरा धर्म क्या बनता है? फिर वो बहकाते हैं जो दूसरे लोगों को, वो बहकाने वाला धर्म नहीं है, ये करने वाला धर्म है। निश्चित तौर पर करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, खेला होगा पक्का। चार दशक हो गए नोएडा प्राधिकरण की जो आबादी है वो नियमित नहीं हो पाई है, बिल्डोजर आते हैं, मकान तोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारी सरकारें आई चली गई, विधायक बने, सरकारें बनी, मंत्री बने, अब तो जो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी सरकार है, चारों तीनों विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, आखिर समस्या क्यों नहीं हल हो पाई चार दशक बाद भी नोएडा के किसानों की? वफा की उम्मीद तो तुझसे जिसे होगी उसे होगी, हमें तो ये देखना है तू जालिम कितना है। हम जालिमों से लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर इनकी मानसिकता ठीक नहीं है, इनमें दानवता के लक्षण हैं, मानवता का पोषण ये नहीं करते, और ये बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे हाथ में सिर्फ संघर्ष है। हम सच्चाई से, आत्मा से, अपने लोगों को साथ में जितनी हमारी ताकत है। आप सब संघर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन चार दशक में क्या लोगों ने संघर्ष नहीं किया है? नेताओं ने बड़े बड़े आंदोलन हुए तो आबादी बचाने के लिए, आपके पास क्या काट है? आखिर मैं फिर कह रहा हूँ कि दुश्मन कितना ढीठ है, जो अधिकारी हैं, नेतागण कितने ढीठ हैं, हमारी कहाँ कमी रहेगी? हम कमी को, वही है ना, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब ही तो बात बनेगी। हम सुधार कर रहे हैं निरंतर, और अपने लोगों को एक कर रहे हैं, जो ये बांट कर काम करते हैं, ये फलाणी जाति, ये फलाना गोत्र, ये फलाने गांव के, हम सारे बंधनों को तोड़ देंगे और एक ही रहेंगे बस। सर, नोएडा में 81 गांव है करीब, क्या यहाँ पे संगठन मजबूत हुआ है आपका? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई आपस में मतभेद तो नहीं है? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ मैं इसमें सफल हूँ, आत्मा से कह सकता हूँ। मैं एक ही, मेरी आशा है कि ये एक होकर रहें बस। अच्छा। और मैं निश्चित तौर पर, और मेरी टीम निश्चित तौर पर इसमें हम सफल होंगे। आज मैं आप सबके सामने, और बिल्कुल इस आपके मीडिया पर मैं इस बात को कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर एकता ही हमारी सफलता का प्रमुख होगा। सर, राजनीतिक रूप से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है जो आपके पॉलिटिकल लीडर हैं किसानों को? देखो जी, आगे आने वाला समय बताएगा कौन साथ खड़े होंगे, कौन किस मन से होंगे। मैं तो अपनों की बात कर सकता हूँ, ये भोले भाले लोग सच्चे मन से साथ में हैं। अगर सभी साथ में आ जाएं तो इनके सब जो ये जमे पड़े हैं, ये सब पैंतरे इनके उखड़ जाएंगे निश्चित तौर पर। हमें सुनने में आया है कि एक किसान विधायक के पास गए, जो यहाँ के किसान है शहर के, कि हमारी आबादी तोड़ी जा रही है, तो विधायक साहब का ये जवाब था कि हम आपकी आबादी बचाने के लिए जो विधायक नहीं बने हैं, क्या क्यों किसानों के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं वो यहाँ के विधायक हैं जो जनप्रतिनिधि हैं? ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये भूल जाते हैं, ये समझते हैं कि ये लोग अल्पसंख्यक हैं, यहाँ ये जो किसान लोग हैं बहुत थोड़े हैं, और मेरी वोट तो कहीं शहरों में उस तरह रहती है, ये इनकी भूल है, ऐसा ही लगता है, इनको वोट नहीं चाहिए, हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं है, इनको ऐसा होता हो सकता है, फील होता हो इनको। सर, प्रशासन के जो अधिकारी, प्राधिकरण के जो अधिकारी, वो ये कहते हैं कि किसानों ने कुछ अवैध निर्माण भी कर रखे हैं, जमीन के मुआवजे ले रखे हैं, एनक्रोचमेंट बड़े पैमाने पर है। अच्छा। और जो CEO है मैडम, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हमने 2300 करोड़ की जमीन खाली करा दी है, बड़े वो शाबाशी दे रहे हैं अधिकारियों को यहाँ पर। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इनको ऐसा लग, बैठते क्यों नहीं फिर, ये सच्चाई से बैठ जाओ ना। हम कब कह रहे हैं, अगर ये कहते हैं भाई, हम तो इतनी बात कहते हैं, हम यहाँ सदियों से रह रहे हैं नोएडा के ये गांव में, जो लोग भाग गए, हमारे बड़े बूढ़े देखिए खड़े, बड़े बूढ़े, आ जाओ जी, इधर आ जाओ जी, ये 100-100 साल से, 80-80 साल से गांवों में रह रहे हैं, आज इनके घरों पर नोएडा नाम दर्ज क्यों है, क्यों इनके घरों का अधिग्रहण कर लिया, कोई जवाब देगा इस बात का क्या? या ऐसे ही अपने आप ही क्या भी अतिक्रमण कर रखा है? अरे उनके साथ तो वही है, वो क्या बोलता है, साहिल पर टूटी हुई किश्तियाँ कुछ और कहती हैं, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। हमने अपनी आंखों से मंजर कुछ और देखा है, और इनकी नेताओं की दिलचस्पियाँ कुछ और ही कहती हैं, तो इनकी दिलचस्पी नहीं से काम नहीं चलेगा, वास्तविकता की जमीन पर इनको आना पड़ेगा। जो सर पहले यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं, किसान संगठन है बहुत सारे, जो सत्ता है उसका भी एक किसान संगठन है भाजपा का भी, क्या वो भी कुछ यहाँ पे कमी कर गए कि जो किसानों की समस्या हल नहीं हो पाई है? देखो जी, ये कमी का ही परिणाम है जो आज हमारे सामने दुष्परिणाम आ रहा है, हमारे लोगों का घर तोड़ा जा रहा है,
किसी को 5% प्लॉट, किसी को 10% प्लॉट दिया जा रहा है, ये अनियमितता हुई है। कौन बारीकी से इनका जो है कौन निरीक्षण परीक्षण करेगा, कौन उन नलायक निकम्मों को, अधिकारियों को, कौन जिन्होंने शोषण करा है कानून बना बनाकर उनको सजा कौन देगा, कौन इस बात पर अमल करेगा, ये तो बता दो। अरे भोले भाले लोगों का क्या है, आखिर कानून इनके हाथ में है, फोर्स इनके हाथ में है, सब कुछ इनके हाथ में है, रोज़ फोर्स लेकर आ जाते हैं, आखिर मैं क्या करूं इसके अलावा लड़ने के सिवा मेरे पास में कुछ है क्या? आप तो सर जेल भी गए हैं कई बार, आपने भूख हड़ताल कर ली है 2019 में भी, लेकिन सफलता तो नहीं। ये मेरा किसी पे एहसान नहीं है, मेरा अपना कर्तव्य है और मेरा स्वाभिमान है, मैं अपनों के लिए मरूं चाहे जान दे दूं चाहे मैं जेल जाऊं, ये मेरा काम है। आपने 16 तारीख को फिर से कॉल दे दिया अगले महीने में, 16 तारीख को क्या करने वाले हैं जबकि धारा 144 लगी हुई है शहर में? कॉल तो अंग्रेजी में क्या, मैं बोल रहा हूं। देखो फिर मैं ये इतना भी, मैं जो अनियमितता जहां बरत रहा है हम अगर उसमें ताला लगा दें तो भाई वो चीज़ बंद होनी चाहिए जहाँ अनियमितता हो रही हो, जहाँ दानवता का रक्षण पोषण हो रहा हो। अब आप ही बताओ क्या वो बंद नहीं होना चाहिए? क्या मेरे शब्दों में ही हिंसा हो रही है? क्या मैं अपनी पीड़ा, अरे बोलता है कभी दर्द अपने हाल से तुम्हें आगाह क्या करूँ, जब सांस भी ना ले सकूँ तो मैं आहा क्या करूँ, आखिर मैं कुछ बोलूँ ना बोलूँ, मेरा बोलना ही हिंसा हो जाती है, आखिर मैं क्या करूँ बताओ? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, हम सच्ची लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने लोगों को एक करेंगे, समाज में विश्वास जगाएंगे, एकता का माहौल बनाएंगे और अपना हक लेकर आएंगे बस।